हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में ऑर्गेनिक चल रही है भाई। ऑर्गेनिक में कहाँ तक हो गया है? ऑर्गेनिक में हमने नॉमनक्लेचर शुरू कर दिया है, शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या पढ़ा है वो याद है? एक बार पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का रिवीजन, फिर उसके बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, राइट? ओके, चलो जी शुरू करते हैं फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम एक रिकॉल कर रहे हैं, किसका? नॉमनक्लेचर का, नॉमनक्लेचर का, राइट? तो नॉमनक्लेचर में सबसे पहले हमने कहा एल्केन के बारे में, राइट? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला फटाफट मन में सोचो, CnH2n प्लस टू, जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है वो एन होता है, राइट? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था? सी, सिंगल बॉन्ड सी। फिर सेकेंड एल्कीन, एल्कीन के बारे में सोचो क्या जनरल फार्मूला है, CnH2n, सफिक्स 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 क्या, ईन, बोलो ईन, राइट? सी डबल बॉन्ड सी, फर्क क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा पाई। फिर एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में क्या, CnH2n माइनस टू, क्या सफिक्स, सफिक्स क्या रहेगा, सफिक्स क्या रहेगा, आइन, राइट? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक सिग्मा दो पाई, राइट? फिर इसमें और क्या बताया था, ये कैसा है, सैचुरेटेड है, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। और क्या बताया था, इन तीनों में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ठीक है? एक और चीज़ इसमें आती है, ठीक है, हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp, राइट? तो अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसमें आती है, आप हमेशा याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है? जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, फिर सबसे कम सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, राइट? तो देखो ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि ये sp है, 50% एस कैरेक्टर है, फिर sp2 है 33.3%, और sp में सबसे कम, sp3 में सबसे कम 25%, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, sp का होगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सिंगल फिर डबल, सबसे ज़्यादा ट्रिपल, ठीक? ये तो हमने कर लिया था जी, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी किसकी, सोचो, हैलोजन्स की। हैलोजन्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है RXR का मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन, और X का मतलब वॉट, X का मतलब हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, राइट? ये क्या है, हैलोजन है, हैलोजन, राइट? फिर उसके बाद हमने बात की थी अल्कोहल की। तो अल्कोहल में जनरल फार्मूला ROH, और ये जो लगते थे ना, ये क्या लगते थे, प्रीफिक्स लगते थे, राइट? प्रीफिक्स, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल रहे थे, राइट? तो ये क्या हो गया, राइट? ये वाले पार्ट आ गए ROH, ROH में क्या होता है जनरल फार्मूला, OH तो हो गया, लेकिन इसका जो सफिक्स है, सफिक्स जो है वो क्या हो गया, वो हो गया व्हाट, बोलो, ये हो गया ऑल। और जो प्रीफिक्स लगता था वो होता था हाइड्रोक्सी, ओके, क्लियर? तो यहां पर अगर जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है तो CnH2n प्लस 2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एग्जांपल दे सकते हैं CH3OH, तो C1 है तो H कितने हैं, 4, और O आ गया, तो ये जनरल फार्मूला है। पहला आ गया तो क्या है, इसका नाम क्या है, मीथेनॉल। मीथेनॉल की मैं क्या खास बात बताई थी कि ये जहरीला होता है, ठीक है? ये डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए आता है। तो डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में क्या बताया था कि सर अल्कोहल इथाइल अल्कोहल जो कि क्या होता है, इथेनॉल C2H5OH, इसका मिसयूज होने से बचाने के लिए थोड़ा सा मिथेनॉल उसमें डाल देते हैं, जिससे पीने से इंसान अंधा हो जाता है, राइट? इतनी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, आई होप आपको याद होगी, हमने डिटेल में बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। चलो
नेक्स्ट फंक्शनल रूप हमारे पास कौन सा है? सोचो नेक्स्ट फंक्शनल रूप कौन सा है हमारे पास, दैट इज पढ़ा हुआ है भाई एल्डिहाइड, टेंथ में पढ़ा था ना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, ठीक है। इसका इसका आपको पता है जो सफिक्स रहेगा ना, सफिक्स रहेगा ना वो होता है अल, ठीक है। अभी एग्जांपल देते हैं, और जो प्रीफिक्स रहेगा ना, प्रीफिक्स रहेगा ना वो होता है फॉर्माइल। बताते हैं एग्जांपल के साथ बताएंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल, सबसे छोटा कौन, ये क्या नाम है, एक है ना, तो मिथ सिंगल बॉन्ड एन अल मीथेनल, इसका कॉमन नेम क्या पता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल डिहाइड। नाम से पता होगा, आधे बच्चों की तो आंखें चमक गई होगी, अरे वाह ये तो फॉर्मल डिहाइड है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं फॉर्मलिन। आंखें इसलिए नहीं चमकी होगी क्योंकि पीना है, नहीं, फॉर्मलिन यूज़ होता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल स्पेसिमिन के प्रिजर्वेशन में, अभी बोलूंगा एक चीज़ तो आपको याद हो जाएगी, आप देखते होंगे बायो लैब में जाते होंगे आप लोग, मछलियाँ टैडपोल्स मरे हुए जो भी हैं एनिमल्स हैं वो एक पानी के अंदर एक जार में रखी रहती है कांच के, और उसमें पानी भरा पड़ा रहता है, तो वो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो एक्चुअल में वाटर नहीं होता है, वाटर में तो चीज़ें सड़ जाती हैं, फॉर्मलिन तो पता लग ही गया होगा प्रिजर्वेशन में काम आता है, ठीक है। प्लांट स्पेसिमिन हो एनिमल स्पेसिमिन, फॉर्मलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको पता लग गया। नेक्स्ट अगर दो कार्बन का है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, इसको बोल देंगे जनरली हम क्या बोलते हैं, दो है ना तो इथ, सिंगल बॉन्ड है ना तो एन अल, समझे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, इसका दूसरा नाम, इसको बोलते हैं एसीटल डिहाइड, ठीक है। जब भी दो कार्बन होते हैं ना, दो कार्बन के लिए जनरली एक कॉमन टर्म यूज की जाती है एसीटो, ठीक है, एसीटो टर्म यूज किया, एसीटल डिहाइड, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो आप ऐसे टर्म यूज करते हो एसीटोन, ठीक है। एसीटोन तो खैर तीन कार्बन का होता है, एक करके बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स का एक रोल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लो, ठीक है, वैसे तो मेरे को बाद में बताना चाहिए पर बता देता हूँ, क्यूरियोसिटी ख़त्म करता हूँ कि प्रीफिक्स हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि अल्कोहल में ROH में एक प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स जो लगता है इसका वो लगता है हाइड्रोक्सी। बोला सर ये हाइड्रोक्सी आपने पढ़ा तो दिया लेकिन यूज़ कहाँ होगा, हमको यूज़ करना है इसको। तो मैंने बोला बच्चा लोग देखो, अगर बाई चांस, अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें CH2OH भी है और CHO भी है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, एल्डिहाइड जो है इसमें वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, पावरफुल है, हायर प्रायोरिटी है, राइट, हायर प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, वन टू, तो इसको इसका इसका क्या होता पता है, सेकेंड पोजीशन पर क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेचारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएगा। तो हाइड्रोक्सी टू हाइड्रोक्सी इथेनल, रे समझ में आई बच्चू, हाइड्रोक्सी कब यूज हो रहा है, जब हायर प्रायोरिटी का ग्रुप। देखो हम इसके बाद में आराम से करेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स नॉमनक्लेचर रूल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, अभी तो हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपको सीखने हैं और क्या क्या उनके नाम कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, इंट्रो के बाद एडवांस में चलेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है कीटोन, कीटोन 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 का जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, आर डैश मतलब दूसरी चेन होगी, ठीक है, दूसरी लेंथ की चेन हो सकती है। तो इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन, और इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स कहीं कहीं ऑक्सो यूज करते हैं तो कहीं कहीं कीटो यूज करते हैं, ठीक है, कीटो या ऑक्सो यूज किया जाता है। देखो फॉर्माइल के केस में भी ना, इस वाले केस में भी किसी किसी बुक्स में प्रीफिक्स ऑक्सो भी यूज किया गया है, ठीक है, कहीं कहीं पर ऑक्सो भी यूज किया गया है।
ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां इस वाले में क्या है, ये हो गया ठीक है। सी के लेफ्ट भी का देखो एल्डिहाइड, और इसमें एक ही फर्क है कि एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन आ जाता है बस, लेकिन इसके लेफ्ट भी कार्बन, इसके राइट भी कार्बन, कीटोन है ठीक है, कार्बन ही कार्बन। ओके, तो अगर कार्बन ही कार्बन लेफ्ट राइट हो सी डबल बॉन्ड ओके तो कीटोन ठीक है, और अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्डिहाइड ठीक है। तो यहां पर प्रीफिक्स जैसे एग्जांपल देखो, अब दिक्कत यह है कि अगर आप यहां हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ एच रखते हो तो ये तो कीटोन नहीं है, नॉट कीटोन, क्योंकि एच आ गया। अब दो कार्बन लो ठीक है, यहां पर आपने बोला सर दो कार्बन सी एच थ्री, यहां पर भी जोश जोश में आया, अरे यहां पर भी एच आ गया, तो ये भी नॉट कीटोन क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये तो आपके पास क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, मीथेनल है ये तो एल्डिहाइड है, और ये एसिटल्डिहाइड हो गया इथेनल जिसे हम बोल रहे थे। तो दो कार्बन तक मतलब एक कार्बन का भी कीटोन पॉसिबल नहीं है, दो कार्बन का भी कीटोन पॉसिबल नहीं है, तो कितने कार्बन का सर, कितने कार्बन का कीटोन पॉसिबल है, तो तीन कार्बन का सी एच थ्री, बच्चा लोग सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो इसका नाम क्या होता पता है, प्रो सिंगल बॉन्ड एन और ओन, वन मत बोलना इसको, प्रोपेन ओन ओके, प्रोपेन ओन। तो प्रोपेन ओन जो आया इसको एक और नाम से जाना जाता है एसीटोन। एसीटोन कहाँ यूज होता है, जनरली नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज होता है राइट, नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज होता है एसीटोन। तब तो अब तो इसके भाई खुली गए ठीक है। अगर मैं इसको हम बात करते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, इसका नाम बताओ, बोला क्या सर मजाक कर, साइक्लो ब्यूटेन ओन, कर सकते हैं ठीक है, इतने तो अब यहां तक के काबिल तो हो गए हो आप ठीक है ओके, पक्का ना, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। कीटोन हो गया, कीटोन के बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, दिस इज द दादाजी ऑफ ऑल द केमिकल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पावरफुल, इससे पावरफुल तो बस अमोनिया के सॉल्ट ही हैं ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इसका क्या हो जाएगा जी, इसका जो सफिक्स होता है वो आ जाता है ओइक एसिड, इसका आपको यही यूज करना पड़ेगा सफिक्स में। तो क्या इसका प्रीफिक्स पॉसिबल है, जंगल में अगर दो शेर आ जाएं तो एक को झुकना ही पड़ता है, अंडरस्टूड ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर तीन चार कार्बोक्सिलिक ऐसी कंडीशन में फंस गए कि एक को झुकना पड़ेगा तब प्रीफिक्स यूज होएगा, कब होएगा वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ समझो प्रीफिक्स क्या होता है इसका, कार्बोक्सी, लेटर ऑन द गेम इट विल अपीयर्स राइट। चलो तो यहां पर क्या होगा, सी एच थ्री सी ओ ओ एच और एच सी ओ ओ एच, इसको मैं ऐसे जरूर लिख रहा हूं लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट कैसे करता है, ये तो क्या है, केमिकल फॉर्मूलेज हैं, केमिकल कंडेंस फॉर्मूले हैं राइट। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच राइट, और इसका होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नाम तो सुना ही होगा, दिस इज इथ एन ओइक एसिड राइट, दिस इज मिथ एन ओइक एसिड। अरे समझ में आई रे बात, इथेनोइक, इथेनोइक से याद आती है चोमीन, चोमीन में क्यों, क्योंकि ये पड़ता है विनेगर, विनेगर ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। मिथेनोइक एसिड में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। भाई आप लोग में से किसी ना किसी को तो काटा होगा जरूर, किसने, चींटी ने, मधुमक्खी ने ठीक है, वॉस्प मत बोल देना, वॉस्प अल्कलाइन सिक्रेशन करता है, फॉर्मिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय बी, हनी बी ठीक है, माय नेम इज बी, हनी बी, तो हनी बी सिक्रेट करती है फॉर्मिक एसिड या एंट ठीक है। मिथेनोइक एसिड कहाँ से निकलता है, एंट स्टिंग से या बी स्टिंग से, तो आपको यहां से पता लग जाएगा
ठीक है, स्टिगन हो गया लेकिन स्टिंग्स है, ठीक है, मधुमक्खी काटे, मधुमक्खी काटे, मधु मतलब शहद वाली, ठीक है, तो मधुमक्खी काटे तो फॉर्मिक एसिड, चींटी काटे तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और जो आपका ये है इथेनोइक एसिड, विनेगर जो होता है वो इथेनोइक एसिड ही होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आते हैं कि अगर मैं इसको HCl से डिवाइड कर मतलब रिएक्ट करवा दूं तो बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं असाइल क्लोराइड, ठीक है, ये होता है हैलाइड ग्रुप, ठीक है, इसको आप असाइल हैलाइड भी बोल सकते हो, असाइल हैलाइड भी बोल सकते हो अगर, क्योंकि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, आयोडीन भी जुड़ सकता है, तो उस वजह से, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें भाई साहब अगर मैं इसमें जोड़ दूँ अमोनिया तो हो जाता है, यहाँ पर तो पानी निकला, यहाँ पर भी पानी निकला, ठीक है, तो बन जाएगा सर NH2, इसको बोलते हैं अमाइड, क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप, ओके, एक हो गया असाइल हैलाइड, एक हो गया अमाइड, राइट, नेक्स्ट, इसमें अल्कोहल डाल दो, अरे तुमको पता है एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल से बनता है एस्टर, इसको मैं आर डैश कर देता हूँ, राइट, तो आर सी डबल बॉन्ड हो आर डैश, समझ में आई बात, ठीक है, साथ में वाटर भी निकलता है, और एक और चीज़ होता है अगर इसको आप गर्म कर दो ना तो एक कंपोनेंट और मिलता है आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है, एक एक करके इनकी बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, देखो राइट, सबसे सिंपल टर्म है इसमें, ठीक है, एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड का जनरली सफिक्स भी एनहाइड्राइड ही होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जैसे अगर मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O O, इसको मैं ठीक कर देता हूं क्योंकि ये ऐसे होता है O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कितने हैं, इथेन है ना, तो इथेन एनहाइड्राइड, इथेन एनहाइड्राइड, राइट, ठीक है, या इसको इथाइल एनहाइड्राइड बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक, इथेन एनहाइड्राइड हो गया, नेक्स्ट प्रोपेन एनहाइड्राइड, ब्यूटेन एनहाइड्राइड, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा भाई साहब, नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा असाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल हैलाइड बोल देते हैं इसको, ठीक है, असाइल हैलाइड, तो इसका जो सफिक्स होता है, वो था ऑयल, ओ वाई एल, हैलाइड, अब हैलाइड में क्लोराइड है तो क्लोराइड पुट करेंगे, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड पुट करेंगे, और आयोडाइड है तो आयोडाइड पुट करेंगे, तो असाइल हैलाइड में जैसे मान लेता हूँ इसमें मैं CH3 C डबल बॉन्ड ओ सी एल पुट किया, तो यहाँ पर सफिक्स क्या हुआ, यहाँ पर हुआ इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड, ओके, इथेनॉयल क्लोराइड, समझ में आई बात, और इसका जब कभी प्रीफिक्स आता है, तो इसको हम बोलते हैं हेलो कार्बनॉयल, ठीक है, हेलो कार्बनॉयल, ठीक, ये चीज समझ में आई, ओके, नेक्स्ट कार्बनाइल, हेलो कार्बोनाइल, ओके, सॉरी हेलो कार्बोनाइल, थोड़ा भावनाओं में बह गए थे, राइट, हेलो कार्बोनाइल, राइट, हेलो कार्बोनाइल हो गया, अब वो क्लोरो कार्बोनाइल हुआ, आयोडो कार्बोनाइल हुआ, ब्रोमो कार्बोनाइल हुआ, वो आपकी मर्जी, राइट, नेक्स्ट देखो असाइल हैलाइड हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर ऐसे हुआ, देखो
ठीक है, यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, रुको, सी डबल बॉन्ड इतना जल्दी कैसे आ गया, वही हो जाएगा फिर CH2 सी डबल बॉन्ड ओ बी आर हो गया। तो इसको हमने क्या बोलना है, प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है, प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड, आप इजीली इसको ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ऐसे आ जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच भी आ गया, तो अब दिक्कत ये होगी कि ये आ गया क्या 1, 2, 3, तो थर्ड पोजीशन पे 3 क्या हो जाएगा, क्लोरो कार्बन कार्बोनाइल, 3 क्लोरो कार्बोनाइल प्रोपेन ओइक एसिड, 3 क्लोरो कार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। नेक्स्ट देखो, असाइल लाइड हो गया, असाइल लाइड हो गया, नेक्स्ट एस्टर, एस्टर कहाँ यूज होता है, एस्टर होता है फुसफुस फुसफुस सेंट परफ्यूम में, ठीक है, फुसफुस में यूज होता है। तो यहां पर क्या हो गया, एस्टर की अगर मैं बात करूँ, इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, दिस इज एस्टर, इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा, राइट, सफिक्स यूज होगा वो होता है ओ एट, या इसको हम सिंपली बोल देते हैं अल्काइल, अल्काइल एल्केन ओ एट, ये इसकी टर्म होती है, इसको बोलने के लिए टर्म, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथेन ओ एट। अगर ऐसे हुआ CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH2 CH3, तो ये हो गया इथाइल प्रोपेन ओ एट, राइट। फिर CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, तो आप सिंपली बोल सकते हो जो यहाँ पर है ओ के साइड है, ओ के राइट साइड है, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन ओ एट, प्रोपेन ओ एट, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एस्टर को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये समझ में आया पक्का। अब इसमें, ठीक है, इसमें कैसे बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें आप सिंपली बोल सकते हो अल्काइल, अल्काइल कार्बोनाइल, अल्काइल कार्बोनाइल का इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये जो अल्काइल कार्बोनाइल में बोल रहा हूँ इसका क्या जुड़ जाएगा, प्रीफिक्स जुड़ जाएगा। अगर आपको कभी प्रीफिक्स जोड़ने की नौबत आ गई तो आप सिंपली अल्काइल कार्बोनाइल, ठीक है, मिथाइल कार्बोनाइल, इथाइल कार्बोनाइल, प्रोपाइल कार्बोनाइल, ब्यूटाइल कार्बोनाइल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कैसी आ रही है, ठीक है। तो प्रीफिक्स आपका अल्काइल कार्बोनाइल हो जाएगा, ओके। और ये इसकी क्या है, जो जनरल फॉर्म है, ये जो पार्ट है ना, ये जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, दैट इज अमाइड, सफिक्स भी अमाइड ही है, लेकिन जब प्रीफिक्स आता है तो तूफान आता है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रीफिक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बामोइल बोल देंगे इसको बस, ठीक है, कार्बामोइल बोल देते हैं इसको। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2 कर दिया, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा इथेन, है ना, इथेन अमाइड बोल देंगे इसको, ठीक है। आप ये मत लिख देना कि इथेन अमाइड, ऐसे मत लिख देना, कभी भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, ये गड़बड़ कर देंगे आप नहीं तो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, देखो, ठीक है, ऐसे तो कर लेंगे, अगर ऐसा हो गया, जैसे मान लो कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड ओ NH2 हो गया, तो क्या बोलेंगे सर, ये तो आसान है, प्रोपेन अमाइड है, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं सर ऐसा कुछ हो जाए कि इस नाइट्रोजन के साथ कुछ जुड़ जाए,
एन एच सी एच थ्री। तो इसके लिए आप सिंपल देखो, एन से जुड़ा हुआ है ना, तो एन से क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, तो एन मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो एन मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन अमाइड। क्लियर, पक्का अमाइड क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और करते हैं, नेक्स्ट आर एन एच टू, ये एक नया ग्रुप है, अमीन। सफिक्स क्या है इसका, सफिक्स क्या है, अमीन, और इसका नाम भी क्या है, अमीन। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है अमीनो, अमीनो। ठीक है, समझे, तो ये क्या हो गया यहां पर, सी एच थ्री एन एच टू, सी एच थ्री एन एच टू को हम क्या बोलते हैं भाई, सी एच थ्री एन एच टू मिथाइल, राइट। अब अमीन, तो मिथाइल अमीन, राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, और क्या होगा, अमीन। सिंपल, अरे सिंपल है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं हो रही, देखो होनी नहीं चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप चीजों को मुश्किल समझोगे तो वो मुश्किल लगेंगी ही पहले ही। ठीक है, करो पहले ट्राई, अभी तो हमने इंट्रो किया है, इसके एप्लीकेशन अभी बाकी हैं, क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर का तो रूल अभी बाकी है कि कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, अभी तो सिर्फ हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे इनको नाम रखना है, लेकिन किस तरीके से किस फ्लो में नाम रखना है ये तो अभी पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे नंबरिंग होगी, कैसे नंबरिंग देनी है। ठीक, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं, राइट, तो इसमें अमीन हो गया, नेक्स्ट आर ओ आर डैश, इसको बोलते हैं ईथर, ईस्टर नहीं, ईथर। ठीक है, तो जैसे ये है, इसका जो सफिक्स है, सफिक्स है तो वो नहीं लगता है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स क्या लगता है, ऑक्सी, जैसे सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, तो क्या लगेगा भाई, मिथ ऑक्सी, फिर क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, तो ऑक्सी अल्केन ऐसे बोल दो इसको, ऑक्सी अल्केन बोल दो, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। यहां पर अगर मैं बोल देता हूं सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री, तो ये जो छोटी चेन है उसको ऑक्सी डाल दो, मिथॉक्सी ईथेन, राइट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी एच थ्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चीजें पता हैं, उनके प्रीफिक्स सफिक्स आपको थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो जादू होता है, जादू सब आता है। ठीक है, तब क्या कंफ्यूजन रहेगी, तब नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूजन होगी, तो आपका पहला काम यही है कि इनको याद करना है आपको, जैसे अपने दोस्तों के नाम याद करते हो, तो केमिस्ट्री के ये भी दोस्त हैं आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये आपके घनिष्ठ मित्र होने चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे, ये दोस्तों को अगर आपने नहीं मनाया ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाट लगा देगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको याद रखना, क्योंकि बिना इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि आप नाव में बैठे हो लेकिन नाव में छेद ही छेद है। ठीक है, तो वो वाली सिस्टम आ जाती है कि आपको कार्बन के बारे में तो बहुत कुछ पता है लेकिन कार्बन से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब औजार हैं बहुत सारे लेकिन औजार का यूज़ कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता हमको, ये हो जाएगा इसमें हाल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ईथर हो गया, इसके बाद और क्या कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे आर एन ओ टू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, जैसे हम इसको बोलते हैं सी एच थ्री एन ओ टू लगा ना, ठीक है, तो ये नाइट्रो किसके द्वारा यूज होता है पता है, प्रीफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एन ओ टू नाइट्रो मीथेन। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आर ओ एन ओ लग गया तो यहां पर सफिक्स लगना शुरू हो जाता है, सफिक्स क्या लगेगा, नाइट्राइट,
नाइट्राइट, तो क्या हो जाएगा, जैसे CH3ONO लगा दिया ना, तो ये हो जाएगा मीथेन, मीथेन नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइल नहीं, नाइट्राइट। अरे समझ में आई बात, बोल भाई, क्लियर हुआ ना, पक्का ना? ठीक है, नाइट्राइट लगा देंगे, इथेन नाइट्राइट, प्रोपेन नाइट्राइट, ब्यूटेन नाइट्राइट, एनो, अगर NO2 लगाए तो नाइट्रो, अगर ONO लगाए तो नाइट्राइट। सेम वैसे ही एक और चीज है, ठीक है, एक है CH3, रुक जाओ, CH3 नहीं यूज करता हूं पहले, यहां पर CN यूज करता हूं। देखो R CN, CN का जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, वैसे तो साइनाइड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, लेकिन जो इसका सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अगर CH3CN लगाए तो क्या बोलूंगा मैं, इथेन नाइट्राइल। रे बोल, क्लियर? ठीक है, दो कार्बन है ना भाई, ये भी तो कार्बन है, इथेन तभी तो लगाया। ठीक है, तो इथेन नाइट्राइल हो गया, लेकिन अगर वहीं RNC लग गया तो क्या बोलूंगा सर, ये बोलूंगा मैं, ये आइसो नाइट्राइल है या आइसो साइनाइड है। ठीक है, आइसो नाइट्राइल या आइसो साइनाइड है, तो मैं क्या बोलूंगा, CH3NC, तो इसको बोलूंगा मैं मीथेन आइसो साइनाइड या आइसो नाइट्राइल। समझ में आई? पक्का? ठीक है, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं भाई, ठीक है, आज हमने बहुत सारे फंक्शन ग्रुप याद किए हैं, तो आपको भी याद होने चाहिए कौन कौन से हैं भाई, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, फिर उसके बाद हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल हेलाइड, फिर एस्टर, फिर उसके बाद अमाइड, फिर उसके बाद एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद अमीन, फिर उसके बाद नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, नाइट्रो, नाइट्राइट। ठीक है, तो इतने सारे हमने आज किए हैं, फिर उसमें अमीन भी तो किया था, अमीन, अमीनो, राइट। तो यहां तक हमने खत्म कर दिया आज। तो आई होप जितना भी मैंने आपको नॉमनक्लेचर के बारे में बताया होगा वो आपको क्लियर हो। और भी हैं, मरकैप्टो है जो SO3H के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद थायोल है, जैसे जैसे थायो ईथर है तो बहुत सारे, लेकिन अभी जितने आपके लिए सफिशियंट है वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम वो चीज़ भी कर लेंगे। ठीक है, सल्फर का भी यूज़ आ जाता है, थायो ईथर हो जाता है, थायोल हो जाता है, ठीक है, थायोनल हो जाता है, तो वो चीज़ें बाद में हम बात करते हैं। ठीक है, आज आप इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक ही दिन में सारा ख़त्म करा दिया तो भेजा फ्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना आज करवाया है उसको एटलीस्ट एक या दो बार रिवीजन करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें फिर मिलना है। तो इसीलिए, क्योंकि आप मेरे साथ तभी चल पाओगे, तभी चल पाओगे जब आप साथ साथ में रिवीजन करोगे, वरना लैग कर जाओगे ना फिर। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं तक ही करते हैं। ठीक है, आई होप आज जितना करवाया हो आपको समझ में आया है, जो भी नहीं आया है कमेंट सेक्शन में डाल दो, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो भी डाउट्स हों रिलेटेड टू सेशन आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, राइट, चल।